तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाई लोग। तो भाई लोग ये गेम प्ले होने वाला है प्यारा सा, मतलब बहुत ही प्यारा गेम प्ले होने वाला है, जिसमें मैं तुम अच्छे खासे बंदे भी मारने वाला हूँ ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस गेम प्ले में। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखने बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको कुछ कुछ मतलब बातें बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको फाइट लेने समय बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पर मैं जब लूटता हूँ ना, तो मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, तो यहाँ पर तो मैं इसको मार देता हूँ। अब यहाँ पर ये बंदा तो नहीं बॉट होता है। अब जैसे मैं आगे निकलता हूँ ना, अब यहाँ पर बेस्ट क्या होता है ना, ईयरफोन भाई, अगर ईयरफोन अच्छी हुए ना तो भाई बंदा आप इजी मार सकते हो। तो मैं आता हूँ ना, अब यहाँ पर मेरे को बंदा दिखता है ऊपर खेल जो भाई सरक रहा था, मेरे को फुट तो आ गया था, तभी पीछे से बॉट आता है, अरे मैं बॉट को मारता हूँ, ये बंदा ऊपर सरक रहा था। अब मुझे क्या लगा ना, ये बंदा जस्ट मेरे ऊपर है, तो मैं क्या सोचता हूँ ना, इस पर डायरेक्ट पुश करूँ एंड इसको प्री फायर दूँ। जैसे मैं प्री फायर देता हूँ ना, मैं कंफर्म हो गया तो इधर भी नहीं है, ऊपर है, तभी देखो सामने से एक बंदे का फुट आता है। अब जी भाई मेरे पे कर रहा था ना नेट, तो भाई इधर मैं बच जाता हूँ, इसका नेट चुक हो जाता है। अब भाई ऊपर मेरे बंदा था, अब तुम सोचो दिमाग से सोचो, तो दिमाग इधर ही लगाना। अब ऊपर बंदा तो मेरे को मारेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि उसके पास कोई भी गन नहीं है। अब नीचे वाले बंदे से तो फाइट लेनी है। अब जैसे मुझे पता है ये नेट कुक करूंगा या नहीं, मेरे से फाइट लेने आएगा। अभी तो मैं इसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया था एंड इसको यूएमपी 9 से बढ़ दिया। अब तभी सामने वाला एक बंदा इधर था। अब तुम देखो इधर हम लोग गलती करते हैं ना, जब एचपी डाउन किया अगर पीछे भगते ये नहीं करना, एंड उसको पहले देखते वो क्या करना चाहता। आ रहा है ना, आने दो उसको। अब जैसे मैं इसको डैमेज दिया ना, ये बंदा इधर हो गया था पैनिक, तो भाई इसको तो मैं इजी भर दिया। अब भाई बचता बंदा ऊपर वाला जो कि भाई सरक रहा था। अब देखो वेद, देखो इस बिल्ड में जा तो सकता था, इधर से भी जा सकता था ऊपर टिप्स एंड ट्रिक लगा के, पर मेरे को कहीं पीछे से पड़ सकती थी। तो मैं क्या सोचता हूँ, इस वाले घर पे आऊँ एंड यहाँ पे एक स्मोक करूँ और ऊपर छोड़ूंगा, और ऊपर देख के बंदा देखो वो किधर किधर है। अब जैसे मैं ऊपर आता हूँ तो मेरे को उधर ऊपर बंदा तो नहीं दिखता, तभी कोई सामने एक बंदा दिखता है। अब ये चला जाता नीचे के साइड। अब भाई ये बंदा पता नहीं क्या करना चाह रहा था, ये तो भाई तो गन ले रहा था, मतलब बिल्कुल बिल्कुल इतना सेफ खेल रहा था, मतलब तो कुछ भी, मतलब देखो ना गन ले रहा था, कुछ कर रहा है, यहाँ पर लेटा तो मुझे जिसका फुट आ गया था। अब इसके बाद इस बंदे को पढ़ देते हैं। अब तुम देखना भाई, इधर मेरे को एक ऐसा बंदा मिलने वाला है जो कि महाछूतिया बंदा है, मतलब महाछूतिया भाई, ऐसे बंदे तो कसम से डूब जाए पानी में, ठीक है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब उस देखो जिस बंदे को मैं मारा था ना AKM से UMP 9 से ना, अब वो बंदा मेरे को आता है, मेरे को मेरे से फाइट लेने के लिए आता है, और मेरे को क्या बोलता है, मैं कैंपर हूँ, ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं आगे आता हूँ ना, तो मेरे को सामने एक बंदा दिखता है। अब इस बंदे को तो मैं मार देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ना, तो मेरे को कूप आता है, कूप मतलब बोल रहा हूँ, कूप बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को आता है लैम्बो का साउंड, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये बंदा वही बंदा होने वाला है। अब इधर से मेरे को डैमेज दिया, तो इधर मैं हेल्थ लगाता हूँ। भाई देख रहे हो ना, मतलब ये लौंडा मेरे को कैंपर बोल रहा है। इस बंदे को मैं कम मारा था रेड हाउस में, एक के डैमेज दिया था उसके, इसको UMP 9 से मारा था। अब ये बंदा मेरे को कैंपर बोल रहा है, मतलब ये चूते बंदे आते कहाँ से, मेरे को यही समझ नहीं आता। किसी बंदे से मर जाओ तो भाई यही बोलते कि भाई ये कैंपर है, मतलब लौंडो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा अच्छे भाई, क्या तुम चूते बंदे हो, मेरे को तो यही समझ नहीं आता भाई। इन बंदों से भाई कसम से बड़ा परेशान हूँ, मतलब लौंडा पिट जाए किसी बंदे से तो उस बंदे को पता क्या बोलते, अरे भाई यार वो मार दिया भाई, कैंपर था इधर लेटा था उधर लेटा था, मतलब टोपा शंकर बनाते हैं, जैसे कि हम तो चूते हैं साले, क्या ही बताओ। ऐसे बंदों से भाई दूरी रहो, बड़े मां चूते बंदे होते हैं। अब छोड़ो भाई, गुस्सा तो मेरे को बड़ा आया था, मैं कुछ बोला नहीं, जाने तो क्या ही बोलूं भाई उस बंदे को, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे को डांसे मिल जाती है, डांसे लेके निकलता हूँ आगे के साइड। अब तो आगे की साइड आता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इधर इसको आपस में होल्ड करूँ, तभी यहाँ पर दो बंदे से आपस में फाइट ले रहे थे। अब मैं क्या सोचता हूँ इधर फाइट उनकी एंड एक बंदा मरे, और जैसे इधर एक बंदा मरता है ना डायरेक्ट मैं इस बंदे पर पुश कर देता हूँ। अब जैसे मैं पुश करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ ये मेरे को मारने आएगा, पर ये बंदा तो मेरे को मारने नहीं आता है। हो सकता है कि अपने हेल्थ एंड बैंडेज एंड ड्रिंक व्रिंक पी रहा हो,
तो मैं ऊपर के साइड आता हूँ। अब ये बंदा था मेरे पे नेड करने का ट्राई करता है, पर भाई इधर कैंसिल कर देता। तो जब मेरे पे नेड नहीं था तो मैं सोचता इसको नेड करूँ, पर मतलब मेरे पे नेड नहीं था। तो जब मैं क्या दिमाग लगाता हूँ ना, तो मेरे पे स्मोक था तो मैं इसको डराता हूँ कि इधर मैं इस पर कर रहा हूँ नेड, और तभी यहाँ से जैसे मैं इसको फेंकता हूँ ना तभी बाहर आता है। एनएस पे पुश करता हूँ, अब इधर से मैं इस बंदे को डैमेज दे देता तो मैं डायरेक्ट पुश करता हूँ इस बंदे पे। अब इधर मैं बंदे पे अंधा पुश नहीं करना चाहता हूँ भाई, फालतू को मरूंगा तो अंधा पुश नहीं करूंगा इस बंदे पे मैं। इधर से मैं ट्राई किया इस मारने को, अब मैं सोचता हूँ क्यों ना ऊपर से मारूं, जैसे ऊपर चढ़ता हूँ ये बंदा नीचे कूद जाता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इधर से निकलूं। अब जैसे मैं आगे आता हूँ तो मेरे को साउंड आता है बैंडेज लेने का। अब एक पल को लगा ना ये इधर की साइड है, तभी मैं मुझे मालूम पड़ा इधर तो नहीं था, उधर से मेरे को इधर स्प्रे देगा एंड इसको मैं डैड उस पर एम लगाया एंड इस बंदे को उधर मार दिया इजी। अब यहाँ पे मैं डैश से लेके निकलता हूँ सर्कल में। अब जैसे मैं इधर की साइड आता हूँ ना, तो भाई ना पोचंग की साइड आता हूँ, पोचंग की सर्कल नहीं था तो आगे साइड जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि छोटे सामने एक घर है जो कि रेड सिंगल घर है, अगर ये मेरे को मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर बंदा होगा तो उससे फाइट लेंगे। तो यहाँ पर मैं कार घुमाता हूँ, यहाँ पर कोई भी कार ना बग्गी ना बाइक कुछ भी नहीं होती, तो मैं समझता हूँ भाई यहाँ पर बंदा तो नहीं है, हो सकता है कि बंदा पैदल पैदल आ जाए पर यहाँ पर बंदा नहीं होता। तो भाई यहाँ पर काफ़ी देर होल्ड करता हूँ, और काफ़ी देर होल्ड करने के बाद यहाँ पर सर्कल का वेट करता हूँ, सर्कल बने एंड यहाँ से मैं निकलूँ, तब यहाँ पर सर्कल बन जाता है, तो मैं डैश से लेके निकलता हूँ आगे की साइड। अरे यहाँ पर भाई पूरा सर्कल था ओपन गेस में, अब ओपन में भाई ये था कि सेक थे दो तीन जो खाली थे एंड भरे भी थे, तो सामने से मेरे को फायरिंग आता है सेक में जो कि सामने बंदा था, तो मैं सोचता हूँ मैं पिछले सेक पे रुकता हूँ, तो भाई इसलिए मैं इस सेक पे आता हूँ एंड इधर होल्ड करता हूँ। अब जैसे होल्ड करता हूँ सामने वाले बंदे देखता हूँ जो कि फाइट हो रही थी उनकी, अब इधर तो मेरे को बोल रहे हो कि मैं मेरे पास ESP पर ऐसा नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ जैसे मैं उस बंदे को मारा ना तो वो डैमेज हुआ। अब वो बाहर क्यों आया था तो मुझे समझ गया था बाहर कोई बंदा है जो कि उस बंदे को उधर मार रहा है, तो इसलिए मैं बाहर देखा तो यहाँ पे बंदा बैठा था उसको इजी पड़ देता। अब यहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर दासी होती सामने, अब सॉरी बग्गी होती सामने, तो मुझे लगा वहाँ बंदा कोई लेटा होगा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता एंड यहाँ पर सर्कल बहुत क्लोज भी आ रहा था मेरे, जिससे मैं बग्गी यहाँ पर स्मोक करता हूँ, स्मोक करके सीधे निकलता हूँ सर्कल में। अब यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही गलत स्कैम होने वाला, इधर इस जगह अगर मेरे पे इधर UMP9 होती तो शायद उस बंदे को उधर मार देता, क्योंकि भाई वो स्प्रेड उसकी गोली नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर आगे आता हूँ, अब सामने एक बंदा था, अब भाई इधर मेरा एम चूक हो गया था, बस इस बंदे का इधर एम चूक नहीं हुआ था और इस बंदे को भाई इधर भी कोई और मारता।